तो द रीइंकार्नेटेड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि साइन जब लाइब्रेरी जाता है तो उसे वहाँ एक रीइंकार्नेशन ड्यूरेबिलिटी नामक मैनुअल मिलता है, जिसे जब साइन देख ही रहा था तभी उस पर एक अटैक होता है। और अब आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उस बंदे को देखते हैं जिसने साइन पर अटैक किया था, जिसका नाम सेनबो है और वह एक सोलिदम स्टेज का 5th लेवल का कल्टिवेटर है, जो साइन को बोलने लगता है वो बच्चे वो मैनुअल मेरा है और तुम्हें क्या लगता है तुम इस मैनुअल को यहाँ से इतनी आसानी से ले जाओगे। जिसकी बातों को सुनकर साइन उसे बोलता है क्या बात कर रहे हो, ये मैनुअल तो मेरा है, इसे मैंने सबसे पहले देखा और इस मैनुअल को तो मैंने उस सील से भी बाहर निकाला है, तो ये मैनुअल तुम्हारा कैसे हुआ। जिसकी बातों को सुनकर सेनबू अब गुस्सा हो जाता है तो वह साइन से फाइट करके उस मैनुअल को छीनने की कोशिश करता है, पर साइन यहाँ पर जानता था कि इस लाइब्रेरी में फाइट करना मना है, इसलिए साइन सेनबू पर एक अटैक करके उसे पीछे भेज देता है, जिससे अब साइन को यहाँ से भागने का मौका मिल गया था तो वह यहाँ से निकलने लगता है। जिसे देख सेनबू अब अपने बो एंड एरो को निकाल कर साइन की ओर एक एरो शूट कर देता है, जो एरो साइन को लगता है उससे पहले ही वह अपने यूनिकॉर्न बीस्ट को समन करके उस एरो को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस अटैक से उस लाइब्रेरी को थोड़ा बहुत डैमेज पहुंचता है, पर वह लोग आगे अपनी फाइट को कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे पहले ही वहां पर लियू मुबाई आता है, जो उन दोनों को फाइट रोकने को कहता है और उन्हें बोलता है क्या तुम्हें इस लाइब्रेरी के रूल्स के बारे में नहीं पता है, यहाँ पर किसी का भी फाइट करना मना है। तो साइन लियू मुबाई को देखकर बोलता है यह फाइट बस इस मैनुअल के लिए हो रहा है, जिस मैनुअल को मैंने सबसे पहले देखा और यहाँ तक कि उस सेल्फ से भी मैंने इसे खुद निकाला है, पर यह सेनबो का कहना है कि यह मैनुअल उसका था जिसके लिए ही हम लोग इतनी देर से फाइट कर रहे हैं। जिस पर लियू मुबाई अब साइन का सपोर्ट करते हुए सेनबो को वहां से भगाने लगता है, पर साइन बोलता है तो ठीक है सेनबो, मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, अगर तुम मुझे 1v1 फाइट में हरा दो तो यह मैनुअल मैं तुम्हें दे दूंगा, और अगर तुम इस फाइट में हार गए तो तुम्हें मेरे सामने नील डाउन होकर मुझे सॉरी बोलना पड़ेगा। जिसके चैलेंज को सेनबो तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि इसके बदले में उसे इतना प्रीसियस टेक्निक मिलने वाली थी। जिसके बाद हम लियू मुबाई साइन और सेनबो को बैटल अरीना में देखते हैं, जिस फाइट का रेफरी यहाँ पर लियू मुबाई होता है, जो इस फाइट को स्टार्ट करने का इशारा दे देता है। जिस फाइट के स्टार्ट होते ही सेनबो तुरंत ही हवा में उड़कर अपने बो एंड एरो का यूज करते हुए साइन पर कई सारे एरो का अटैक करता है, जो एरो नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर साइन जहाँ जहाँ भी जा रहा था ये एरो उसके वहां वहां पीछा कर रहे थे, पर इतने इंटेंस सिचुएशन में फंसे होने के बाद भी साइन अपने माइंड का यूज करते हुए अपने गोल्डन ड्यून शील्ड को एक्टिवेट करते हैं, जिससे वह एरो जो साइन की ओर बढ़ रहे थे वह उस शील्ड को भेद नहीं पाते, जिसका फायदा उठाकर साइन तुरंत ही अपने ब्लैक सॉर्ड को लेकर सेनबो की ओर बढ़ता है, जिससे हमें सेनबो और साइन के बीच में 1v1 क्लोज कॉम्बैट फाइट देखने को मिलती है। और साथ ही में सेनबो ने जो साइन के पीछे अपने एरो लगाए हुए थे वह इस फाइट के दौरान भी साइन का पीछा कर रहे थे, लेकिन साइन को उन एरो से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, जो अपने फास्ट मूवमेंट का यूज कर सेनबो के पीछे आ जाता है, जिसकी वजह से जो एरो साइन की ओर बढ़ रहे थे वह अब सेनबो को हिट करने वाले थे, जिसे देख सेनबो तुरंत ही अपने एरो को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वह तो बच जाता है पर साइन इसका फायदा उठाकर अपनी ब्लैक सॉर्ड से एक बहुत ही पावरफुल अटैक सेनबो पर कर देता है, जिसके लगते ही सेनबो की हालत अब काफी खराब हो चुकी थी और वह आगे अब फाइट करने लायक नहीं था। तो लियू मुबाई इस फाइट का विनर साइन को अनाउंस कर देता है। तो साइन सेनबो को बोलता है तुम्हें हमारा चैलेंज याद है ना, अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरे सामने नील डाउन होकर मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। पर यहाँ पर सेनबो के तो कुछ और ही प्लान थे, जो एक डैगर निकाल कर साइन पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसके अटैक को डॉच करके साइन उसे एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है, और यहाँ पर साइन की पंच की पावर इतनी ज्यादा होती है कि यहाँ पर सेनबो की बॉडी पूरी तरह से जलने लगती है, जो देखकर साइन काफी हैरान होता है और सोचता है कि मेरी पावर इतनी ज्यादा कब बढ़ गई। तो लियू मुबाई साइन को वह मैनुअल देते हुए बोलता है तुम्हें यहाँ पर घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर सेनबो ने रूल्स को तोड़ा है और साथ ही में उसने पीछे से तुम्हें मारने की भी कोशिश किया है, तो इसलिए डिसिप्लिन डिवीजन तुम्हें कोई भी सजा नहीं देगी। और आगे लियू मुबाई बोलता है कि यह रीइंकार्नेशन ड्यूरेबिलिटी टेक्निक काफी पावरफुल टेक्निक है, इसलिए तुम्हें इसे सीखने के लिए बहुत सारे एलेक्सिर और रेयर बीस्ट के ब्लड लगेंगे, जो चीज तुम्हें इतनी आसानी से तो मिलने वाली है नहीं, इसलिए तुम्हें स्टेरी रिवर विजिट करना पड़ेगा, जिस जगह के बारे में साइन ने इससे पहले नहीं सुना था, तो वह इसके बारे में लियू मुबाई से और भी पूछता है, जिस पर लियू मुबाई बताता है कि यह स्टेरी रिवर स्टार एकेडमी की एक बहुत ही एंशियंट और मिस्टीरियस जगह है, जो बस फुल मून की रात को ही अपेयर होता है, जहाँ पर तुम्हें बहुत सारे रेयर एलेक्सिर और ट्रेजर मिल सकते हैं, पर मेरी एक बात याद रखना, जहाँ पर इतनी रेयर चीजें मिलती है वहाँ पर खतरा भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर तुम एंशियंट जीनोम से बचकर रहना, जो कि एक तरह के बहुत ही पावरफुल बीस्ट होते हैं, पर उन्हें इंसानों से सख्त नफरत है, जो तुम्हें उस जगह पर देखने को मिल जाएंगे।
जिस जगह के बारे में सुनकर साइन अब काफी एक्साइटेड हो गया था, क्योंकि उसे वहाँ पर काफी रेयर ट्रेजर और लेक्सर मिल सकते थे। लेकिन ली मुंबई की बात यहीं पे खत्म नहीं होती और वह साइन को बताता है कि वहाँ पर तुम्हें स्टेयर बीड और स्टेयर फ्लेम भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि वहाँ अक्सर अपेयर होते रहते हैं, तो अगर तुम्हें मौका मिल गया तो तुम उन्हें जरूर कलेक्ट करना। तो साइन बोलता है वो सब तो ठीक है, पर आपके हिस्से का लेक्सर जो मैं उस एकिक टावर में देना आपको भूल गया था, अब मैं आपको वो देना चाहता हूँ। जो बोलकर साइन अपने पास से कुछ एलेक्सर निकाल कर ली मुंबई को दे देता है, जिन एलेक्सर को देखकर ली मुंबई बहुत खुश होता है और सोचता है कि यहाँ पर इतने सारे एलेक्सर तो उस लेवल 8 पर थे ही नहीं, तो क्या यहाँ पर साइन लेवल 10 पर पहुंच गया था। जो बात वह साइन से पूछ ही लेता है, जिस पर साइन बोलता है हाँ मैं लेवल 10 पर पहुंच गया था और वहीं पर मुझे इतने सारे एलेक्सर मिले जिनमें से कुछ मैंने तुम्हें दिए यहाँ पर। जो बात जानकर ली मुंबई और साइन वहाँ पर हंसने लगते हैं, क्योंकि ली मुंबई पहले से ही जानता था कि यहाँ पर साइन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड बंदा है। जिसके बाद अब हम साइन को स्टेरी रिवर पर देखते हैं, जिस जगह के बारे में उसे ली मुंबई ने बताया था, और यहाँ पर हमें साइन का न्यू लुक भी देखने को मिलता है। जिस जगह पर आज फुल मून की रात आने वाली थी, इसलिए साइन यहाँ पर आया हुआ था। तो साइन उस जगह को जब देख रहा था तो उसे वहाँ पर बहुत सारे लोग दिखते हैं, जिन लोगों के बीच में वह क्यान्याओ को भी नोटिस करता है, जो वह देख ही रहा था तभी वहाँ पर हम एक स्टेयर बीट को अपेयर होता पाते हैं, जिसे देख वहाँ पर आसपास के लोग बात करने लगते हैं कि अरे देखो स्टेयर बीट अपेयर हुआ है। जिसे देखते देखते उस स्टेयर बीट को पाने के लिए एक रेस स्टार्ट हो जाती है, जिसमें सबसे आगे साइन था जो स्टेयर बीट के काफी पास पहुंच चुका था। जिसे देख क्यान्याओ तुरंत ही साइन पर कई सारे स्लैश अटैक करती है, जिन अटैक से बचने के लिए साइन अपने गोल्डन रिम शील्ड का यूज करता है, जिससे वह आराम से उस स्टेयर बीट को पा लेते हैं और क्यान्याओ बस उसे देखती रह जाती है। जिस स्टेयर बीट को पाकर साइन काफी खुश होता है, क्योंकि यहाँ पर उसका यह पहला ट्रेजर था। पर तभी उसके पास क्यान्याओ आती है, जो अपनी स्वॉर्ड उसके गले पर पॉइंट करते हुए बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने उस साइकिक टावर पर भी सभी मौजूद एलेक्सिर को ले लिया था और यहाँ पर तुमने मुझसे स्टेयर बीट को भी छीन लिया, तो आखिर तुम चाहते क्या हो। जिस पर साइन बोलता है अब इतना भी गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा वाला एलेक्सिर दे रहा हूँ। जो बोलकर साइन उसे कुछ एलेक्सिर दे देता है, जिन एलेक्सिर को मिलते ही क्यान्याओ शांत हो जाती है और सोचती है कि यहाँ पर साइन की कल्टीवेशन लेवल पहले से काफी ज्यादा बूस्टअप हो गई है। इसलिए वो साइन से बोलती है कि स्टेयर रिवर का रास्ता इतना भी आसान नहीं है, वहाँ पर तुम्हें कई सारे पावरफुल बीस्ट का सामना करना पड़ेगा, इसलिए मेरी मानो तो हम दोनों लोग को टीम अप कर लेना चाहिए। जो बात सुनकर साइन भी थोड़ा सोचता है कि ये लड़की तो यहाँ पर एक प्रिंसेस है और उसके पास काफी स्ट्रांग वेपन भी है जो मेरे लिए फायदेमंद हो सकती है, इसलिए वह इस डील के लिए डन कर देता है। जो वह लोग बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ अचानक से भूकंप आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर अब फुल मून की रात आ चुकी थी, जिसके यात्री अब उस एंशियंट लैंड पर जाने का रास्ता अपने आप ही ओपन होने लगता है, जिस एंशियंट लैंड में साइन का सामना कई सारे एंशियंट बीस्ट और पावरफुल क्रिएचर से होने वाला है, जिसके दिखाती एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।